विरासत और परंपराओं के संरक्षण की विकास यात्रा। विश्व के अग्रणी नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की इसी उत्तम सोच और अथक प्रयासों की बदौलत देश भर में विरासत संरक्षण और विकास के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अयोध्या में राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यकरण, केदारनाथ विश्वनाथ धाम का भव्यकरण जैसी परियोजनाओं ने नए भारत के निर्माण के आंदोलन को गति दी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों और कार्यों से प्रेरित होकर कल्याणकारी असम सरकार ने भी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी विरासत की सुंदरता को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने के लिए कई व्यवहारिक परियोजनाएं शुरू की हैं। इस अभिलाषी प्रयास के तौर पर रौंघौर परिसर का सौंदर्य वर्धन किया जाएगा। 600 साल के आहुम शासनकाल का गौरव उज्जवल इतिहास दर्शाता ऐतिहासिक शहर, महान आहुम की शौर्य गाथा और प्रसिद्ध सांस्कृतिक इतिहास को समेटने वाले हिबोखागोर में ऐतिहासिक हिबोडोल, जॉयडोल, हिबोखागोर पुखुरी, तौलाटोल घर, रौंघौर जैसे आहुम काल के ऐतिहासिक कीर्ति चिन्ह मौजूद हैं। हिबोखागोर शहर के बीचों बीच रौंघौर का सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता आया है। आहोम राज परिवार इस रौंघौर से ही परंपरागत खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद आम जनता के साथ उठाते थे। रौंघौर के उत्तर पश्चिम दिशा के खाली पड़ी जमीन में सौंदर्यवर्धन की परियोजना हाथ में ली गई है। लगभग 26 एकड़ जमीन में 124 करोड़ की लागत से यह परियोजना पूरी होगी। बृहद वाटर फाउंटेन शो के जरिए आहोम की गौरव गाथा को दर्शाया जाएगा। रौंघौर के किनारे नौका विहार, दिव्यांगों के लिए विशेष गाड़ी का इंतजाम होगा। रौंघौर के परिसर में परंपरागत खाद्य और शिल्प कला का प्रदर्शन और प्रमोशन के लिए विशेष परंपरागत बाजार होंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाओं वाली अतिथिशाला का निर्माण होगा। 600 वाहनों को रखने की पार्किंग की व्यवस्था इस परियोजना का हिस्सा है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रोंगाली बिहू के इस मौके पर इस अभिलाषी परियोजना की आधारशिला रख रहे हैं। यह महान आहोम के महान अवदान को गरिमामंडित करने का आंतरिक प्रयास है।